अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस अभी बज गए हैं रात के 10:10 और मैं पिछला ब्लॉग तो मैंने एंड कर दिया और एडिट करके आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच भी गई है, तो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक घर में खुशखबरी आई है, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ कि क्या खुश। अरे वो तुम छोड़ो यार, खुशखबरी जरूरी नहीं है कि उसकी रहती है, अलग अलग खुशखबरी रहती है, ठीक है। तो एक खुशखबरी आई है तो मैं आप लोगों से दिखाता हूँ कि क्या खुशखबरी है, तो वो आप लोगों को अमित भाई बताएंगे। और क्या बोलते हैं गाइस, मेरा न्यू फोन आ गया है माशाल्लाह, ठीक है। EMI पे मैंने न्यू फोन लिया हूँ और मेरे भाई के डॉक्यूमेंट पे लिया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 30,000 रुपए का फोन है ये, ठीक है। आप लोगों को फोन दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ऑनलाइन का दामाद कहलाता हूँ, तो मेरी सिविल स्कोर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो कल भाई गए थे दुकान पे लेकिन भाई का नहीं हुआ तो मैं गया, तो माशाल्लाह मेरे डॉक्यूमेंट पे पूरा पास हो गया है। तो आप लोग ये फोन देख लीजिए, आमिर भाई ने सैमसंग S20 गाइस 1 2 3 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है सैमसंग का, नाम बताएं इनको। सैमसंग सैमसंग का है ऐसा भाई देखो, ये है नाम है ये S20, ठीक है। मेरे अब्बा को दिखा रहा हूँ हाथ में, लो अब्बा हेलो अब्बा देखो फोन, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्या बात है, ले भारी ले। इधर देखो, आप सबके सपोर्ट की वजह से, हाँ, और मेरे पूरे घर वाले के सपोर्ट से मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 30,000 का माशाल्लाह फोन लिया हूँ। मैं गया था कुछ दूसरा लेने के लिए, हाँ। क्योंकि बजट मेरा कम था, तो मैं उस हिसाब से ऐसा से बातचीत किया कि नहीं यार इतना नहीं। तो छोटू भाई बोले कि फ़ोन का अच्छा क्वालिटी नहीं है, किधर कैमरा है, सॉरी मैं लाइट पर देख रहा हूँ तो ना छोटू भाई ने बोला कि इसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने रियलमी 11 प्रो देखा था, हाँ। और उसका जो बड़ा कैमरा जो शाहरुख खान से लेके खड़ा हुआ, तो मैं बोला अच्छा फोन रहेगा, लेकिन हमने जब चेक किए, हाँ। तो इतना मजा नहीं आया। तो उसने बोला कि सैमसंग का है 30,000 का, हाँ। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, छोटू भाई को अच्छा लगा तो मैं बोला ठीक है, हाँ। हम लोग ने ना दो तीन फोन देखे थे, एक रियल मी देखे थे और एक शाओमी भी देखे थे, तो दोनों भी मतलब पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई कल अकेले गए थे तो भाई को वही जो शाहरुख खान लेके खड़ा था वही फोन पसंद आया। तो भाई ना सबसे मेन बात ना इसकी इतनी जानकारी नहीं है, मेरे को मालूम था कि मेरे छोटू भाई को जानकारी है और शफीक भाई को भी जानकारी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको मैंने पहले बोला तो बोला ठीक है, हाँ भाई मैं आपको दिला दूंगा ऐसा था, तो मैंने लेकिन फिर भी अपना ट्राई किया जाके कि मैं बोला नहीं यार अब उसने बोला है तो अपन भी तो अपना तो ट्राई करेंगे ना, कम से कम बंदा है तो सही क्या होता है। तो मेरे से ट्राई नहीं हुआ तो फिर मैंने इसको फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो बोला ठीक है अपन कल जाएंगे और अपना मैटर सॉल्व कर देंगे। तो गाइस ये देखो आप सबको चालू करूँ, हाँ एक नंबर, ये है मेरा फोन माशाल्लाह। तो आप सबको एकदम रावस क्वालिटी में फोन, सॉरी व्लॉग वीडियो देखने मिलेगा, हाँ। तो मेरे डेटा इधर आओ, इधर मिठाई खा रहा, मिठाई खा रहे हैं, और आते आते मिठाई भी लेकर आ गए थे ना, मेरे भाई ने मिठाई भी लेके आया। गाइस मैं तो भूल गया घाई घाई में, मैं साइकिल पर था। तो आप सबसे पहले आप पूरे सब्सक्राइबर के लिए ये है, जो मेरे पांचों ब्लॉगर है ना घर वाले जितने भी है सब्सक्राइबर, ये सब आप लोग के लिए है ये सब माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद में डेटा इधर आओ, अब्बा को खिलाओ, इधर आओ गाइस, आप लोग ने खा लिया, मेरे डेटा खाएंगे, हेलो थोड़ा सा और खा लो, हाँ मोहब्बत में, बाद में रबड़ी रबड़ी छोटू भाई खाएगा, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी पूरे घर वाले हैं मैं सबको खिलाऊंगा धीरे धीरे, उसके बाद में मैं खाता हूँ, फिर हम लोग सब लोग बताते रहेंगे एकदम रावस रावस माशाल्लाह, अभी एकदम रावस। और जो भाई पहले फोन यूज कर रहे थे कितना साल हुआ जरा वो भी बताओ, 5 साल हो गया, 5 साल रियलमी बताओ, हाँ घर पे। तो ये पहली बार दिखाने जा रहा हूँ आप सबको वाला फोन है, ये भाई 5 साल तक यूज किए हैं, बाप रे बाप, ये देखो रियल ना, क्या कर रहे बेटा, ये फोन से नजमा ब्लॉगिंग करेगी, अमरीन ब्लॉगिंग करेगी इसके अंदर घर में, ठीक है, घर के लिए। आप लोग बोलते हैं ना नजमा का हम लोग को लाइफ स्टाइल देखने का है, हाँ। ऐसा वैसा, हाँ। तो इससे नजमा करेगी और उससे हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, ऑफिस का दिखा दूंगा, औरंगाबाद जाएंगे वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, अभी चलता रहेगा, बस खाली आप सब ना हमारे घर वाले को सबको सपोर्ट करते रहो, मस्त एकदम सही बात है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना, सबको सपोर्ट, सबको सपोर्ट कर रहा है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारक भाई कि तुमने इतना बड़ा मोबाइल ले लिया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख की दे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मेरी मेहनत भी है और मेरे सब घर वाले का सपोर्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप सब ऐसे एकदम मस्त हम लोग को देखते रहो, आप सबको सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी है। गाइस अब्बा के पास ना इतना अच्छा फोन है लेकिन अब्बा अभी तक चलाने नहीं आया फोन, नोटिफिकेशन भी आता ना ऊपर बोलते देख क्या आ रहा है जरा देख, बोला अब्बा फालतू का नोटिफिकेशन उसको हटाओ, पढ़ने आता है इनको, हाँ पढ़ने भी आता है लेकिन ये ध्यान नहीं देता इनको, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ कि अब्बा पढ़े लिखे हैं तुम और पढ़ लिख के कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिखाओ, हाँ
अरे हिंदी माशाल्लाह तुमको इतनी अच्छी आती है, तुम मराठी भी बोल लेते हैं, और सबसे मेन बात तो गाइस अब्बा ना सबके व्लॉग के कमेंट भी पढ़ते हैं, किसी को क्या कमेंट आ रहा है। मस्त एक कोने में चले जाएंगे, चश्मा लगा लेंगे और कमेंट पढ़ते रहेंगे, देख इसको ऐसा इसने बोला ये उसने ऐसा बोला, बस इतना ही और कुछ भी नहीं करते। तो गाइस मेरा डेटा इसको पकड़ के थोड़ा एक फोटो खींचेंगे, हाँ क्योंकि मेरे अब्बा पकड़ेंगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह। तो गाइस आप लोगों को आमिर भाई का फोन, नया फोन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग जस्ट आमिर भाई अभी काम पे से आए हैं, और अभी मैं भी खाना नहीं खाया हूँ, मैं गया था साथ में आमिर भाई के, तो अभी खाना वगैरह बन के रेडी हो गया है ना। हाँ स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं, अभी रहने देना इसको, टेंशन नहीं है ठीक है। और पीछे कवर भी लगा हुआ, ये भी मत निकालना ठीक है, अभी डायरेक्ट इसके ऊपर तुम डायरेक्ट कवर चढ़ा लो, कवर खोलो। अरे पहले सिम लगा रहे हैं। एक चीज तो आपको दिखाया ही नहीं मैंने, क्या? अरे अच्छा हाँ एयरबड ना, तो मैंने सोचा कि जब इतना पैसा खर्चा हो ही रहा है हाँ, तो 1000 रुपये और ऊपर से खर्चा कर लेते हाँ, हैं, क्योंकि एयरबड इसके क्या बोलते हैं इसको यार, एयरबड ही बोलते हैं, एयरबड इसके लिए ज़रूरी ना कि नजमा बहुत सीरो बोलती है कभी कभी, तो उसके एक कान में लगा दूंगा, एक कान में मैं भी पहन सकता हूँ हाँ, आराम से तो हम दोनों पहनेंगे, तो उसको भी पहना दूंगा दोनों, थोड़ा वॉइस भी अच्छा हो जाएगा हाँ। और फोन वोन कभी कभी साइकिल पे रहता हूँ मैं हाँ। कभी फोन भी ना आता है तो क्या साइड में रह के खाना पड़ता है। और ये मेरा बर्ड भी है, कैसा कमेंट में आपको लगा बताना माशाल्लाह। सेम मेरी ऐसा है जैसे पिछली बार मैंने लगाया ना, सेम टू सेम वैसी है, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे को मालूम है कैसी क्वालिटी, तो इस वजह से भाई को मैंने वही दिला, मैंने इनको बोला कि भाई अभी तुम जब मोबाइल का इतना कर रहे ना तो एक काम करो बर्ड भी ले लो, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता ये सब के बारे में कि कैसा क्या लेना है क्या लेना है, मैंने कभी ये सब कभी यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में 30 साल का हो गया, मैंने आज फर्स्ट टाइम बर्ड लिया हूँ, मोबाइल लिया हूँ ठीक है, बस अल्लाह का करम है, आप सबका सपोर्ट है, तो और क्या बोलूँ। बस फिर हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, तब तक के लिए मेरा डेटा के साइड हाँ डेटा जरा बीच में, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ गाइस, क्या मेरे सभी घर वाले को सपोर्ट करो ठीक है, और सबका वीडियो देखो एकदम रावस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपना कीमती टाइम निकाल के हम सबका वीडियो आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। और वीडियो में क्वालिटी लाने के लिए मैंने कल जाके लाइट लेकर आया और ये माउंट का केस लेकर आया हूँ, और सबसे ज्यादा व्लॉगिंग में मेरा भाई ध्यान देता है, क्योंकि वो आप लोग के पीछे एकदम पागल हो चुका है, मेरे अब्बा सामने से बोलते हैं कि ये इसका काम में ध्यान नहीं लग रहा ठीक है, लाइट ये वो साला 20,000-30,000 का जो भी GoPro लिया, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ने लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये किसके वजह से, आप सबको अच्छे अच्छे क्वालिटी में सिर्फ चीज़ें दिखाने के लिए, बस क्योंकि हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करते, जो करते आपके लिए करते, हमारे घर वाले के लिए जो भी हमारा चल रहा है। अभी ये भी मैं मोबाइल लिया हूँ इसके लिए घर वाले को देखेंगे, क्योंकि मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं फ़ोन के लिए, लेकिन मैंने क्या बोला नहीं यार दो दो फ़ोन रहेगा, नजमा भी घर में ब्लॉगिंग करेगी हाँ, और मैं भी थोड़ा काम वाम का दिखा दूंगा, और फ़ोन तो लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक कौन से नहीं हो पा रहा था, अब चालू की है तो आप लोग को अच्छा अच्छा दिखाएंगे ना, सही बात है, क्वालिटी देखिए तो सामने ले देखने तो पसंद भी वो हिसाब से, बाकी बस क्वालिटी सपोर्ट करते रहो, मैं क्या बोलूँ। और अब्बा से एक बात, अब्बा इधर आओ, एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अब्बा को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि अब्बा अकेले रहते हैं, अब्बा की शादी क्यों नहीं कराते। मैं अकेला बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, तो शादी क्यों नहीं कर रहे तो? शादी नहीं करेंगे, मेरे तरफ से अब्बा को इजाजत है कि अब्बा शादी कर लो, अमित भाई की तरफ से भी इजाजत है, मेरे बच्चे लोग सारे बच्चे लोग बोलते हैं अब्बा कर लो, लेकिन मैं मेरे पास इतने पोतरे हैं, इतने नाती हैं, इतने नातनी है, मैं क्या करूंगा करके, मेरा दिन निकल जा रहा है। मेरी दादी इनको बोल रहे तू अभी गाँव पर आ जा, मतलब उनकी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा हाँ। इनको बोलते हैं फोन पे अभी तो मुंबई में क्या कर रहा है, अभी तो मेरे पास आ जा हाँ। अभी तो तेरा सब कुछ सब सेट हो गया, सब लोग अपना अपना रह रहे हैं, तो तुम काई के लिए गांव में रह रहे हैं, मैं भी इनको बोलता हूँ सॉरी मुंबई में रह रहे मैं इनको बोला अब तुम गाँव चले जाओ, क्योंकि दादी दादा अल्लाह ना करे ऐसा तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता कभी ना कुछ हो जाए, लेकिन तुम लोग के पास तो रहेंगे, जैसा मेरी अम्मी हम लोग के पास थे, हम लोग के सामने चले, हम लोग के सामने गए, तो अभी हम लोग यहाँ रहते हैं, अम्मी वहाँ रहते हैं, कभी कुछ हो गया तो इनका एकदम धड़पल रहेगा बहुत, तो उनके पास रहना ज़रूरी है इनको। मैं इनको बोला छोड़ो सब मचांड, तुम जाओ अपना गांव रहो मस्त में, एकदम इधर इधर उधर अच्छा नहीं लगता है, अभी क्या बोलूँ मैं अप्पा को, मैं क्या बोलूँ, बहुत थोड़ा इनका बहुत बड़ा मैटर है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा आप सबको, अल्लाह हिफाजत करे। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, लव यू लव यू।